मिलिंद देवरा यांच्या टीकेचे काँग्रेसच्या अंतर्गत वर्तुळात मोठे पडसाद उमटायला सुरुवात झाले. देवरा यांनी पार्टी प्लॅटफॉर्मवर समस्या मांडाव्यात असा सल्ला काँग्रेस प्रवक्ते मीम अफजल यांनी दिलाय. त्यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी मंगेश शेवट्यांनी. अफजलजी, जिस प्रकार से बयान आया है मिलिंद देवरा का, क्या कहना है कांग्रेस पार्टी का? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मिलिंद देवरा जी को ये सब बातें पार्टी फोरम पर उठाना चाहिए. वो नौजवान है, अच्छे नेता है और उनको ये सब बातें पार्टी के फोरम पर ही उठाना चाहिए. और मैं तो खुद मिलिंद देवरा जी को भी राहुल जी की और सोनिया जी की टीम में शामिल, पूरी पार्टी शामिल है, वो भी उसमें शामिल है. अगर वो ऐसी बात बाहर कह रहे हैं तो वो किसी और पर नहीं अपने ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं. लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई कही है उन्होंने. इसमें सच्चाई और झूठ की तो कोई बात ही नहीं है. हमारा कहना यह है कि फोरम जो उन्होंने इस्तेमाल किया है उसकी शायद जरूरत नहीं थी. वो इतने बड़े नेता के बेटे हैं, खुद भी अच्छे बड़े नेता हैं, पार्लियामेंट में रहे हैं, मंत्री रहे हैं. अब वो खड़े होकर हारने के बाद अगर वो इस तरह की बात करें तो मैं यही कहूंगा, मशवरा ही दे सकता हूं, उम्र में मुझसे छोटे, मैं यही कह सकता हूं कि उनको ये सब बातें पार्टी के अंदर. कांग्रेस पार्टी के कुछ दूसरे नेता जैसे सत्यव्रत जी है, उन्होंने कहा कि मिलिंद देवरा ने जो बातें कही वो सही है, लेकिन मेरे ख्याल उन्होंने भी यही मशवरा दिया है कि इसको पार्टी फोरम पर उठाना चाहिए. सही और गलत का सवाल तो पार्टी के अंदर पता लगेगा ना. जब आप अपनी बात को सामने रखेंगे तो दूसरे लोग भी अपना वक्तव्य रख सकते हैं ना. ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको इंटरव्यू दे दूं और किसी के बारे में कुछ भी कह दूं, उसकी बात तो मैंने सुनी ही नहीं. कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कांग्रेस युवाओं से कनेक्ट था 2009 में, हमें देखने युवाओं से आज भी कनेक्ट है. वोट में थोड़ी कमी जरूर आई है, ये आप मत कहिए कि हम कनेक्शन हमारा खत्म हो गया है. हमारा कनेक्शन कम हुआ है, हम उसको बढ़ाएंगे. दूसरी बात, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने न्योता दिया है सार्क कंट्रीज के सारे प्रधानमंत्रियों को, जिसमें नवाज शरीफ भी आ रहे हैं. देखिए, जो भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तीन कंट्रीज ऐसे हैं जिनके हमारे रिलेशंस के अंदर हमको बड़ी एहतियात की जरूरत है. हम हर उस कदम को अच्छा कहते हैं जो पीस की तरफ जाता हो, जो अच्छे रिलेशंस की तरफ जाता हो. लेकिन ये बात सब जगह एक जैसी होनी चाहिए. जब हम थे पावर में तो हमारी हर बात को जो है क्रिटिसाइज किया जाता था. पाकिस्तान के अगर प्रेसिडेंट जयपुर आए, अजमेर आए, पर्सनल विजिट पर आए थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था, याद होगा आपको. आज वो वही काम कर रहे हैं. डबल स्टैंडर्ड, अच्छी बात. डबल स्टैंडर्ड है भाजपा. देखिए, भारतीय जनता पार्टी के डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में मैं क्या, पूरा देश बोलता है. दूसरा सवाल, अरविंद केजरीवाल के बारे में जिस प्रकार से नौटंकी शुरू है. ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल साहब ने एजिटेशन से अपनी पॉलिटिक्स शुरू की, एजिटेशन पे खत्म हो गई, जेल जाके खत्म हो गई. मेरा मानना है कि अब देश के लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया है. देश के लोगों ने अरविंद केजरीवाल के राजनीति को रिजेक्ट कर दिया है और बीजेपी डबल स्टैंडर्ड है. जिस प्रकार से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को उन्होंने न्योता दिया है, ऐसा कहना है मीम अफजल का. और जिस प्रकार से बयान आया है मिलिंद देवरा का, उन्होंने ऐसा आपत्तिजनक बयान जाहिर प्रसार माध्यम के द्वारा नहीं देना चाहिए था. उन्होंने पार्टी प्लेटफॉर्म पर ये सारी बातें कहनी चाहिए थी. ऐसे भी बात करें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता.